दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल ट्रेड फॉर प्रॉफिट में। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे tradingview.com पर। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि tradingview.com पर जो मोबाइल पर चार्ट खोलते हैं, ओपन करते हैं, उस पर टूल्स किस तरह से लगाए जाएंगे। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं, वहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये हम आ गए हैं चार्ट के ऊपर और यहाँ पर आपको किस तरह से टूल्स का प्रयोग करना है तो वो समझेंगे। किस तरह से ट्रेंड लाइन को लगाना है, किस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन को लगाना है तो वो समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा। जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जब आप लेफ्ट साइड आओगे, इस साइड यहाँ पर, तो आप देखोगे कि सबसे पहला जो ऑप्शन, जब आप इसको क्लिक करते हो तो ये क्रॉस का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद ये डॉट का ऑप्शन है, एरो का है, इरेजर है, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल सा, जब आप इरेजर इसको यहाँ से क्लिक करते हो, तो जैसे ये ट्रेंड लाइन आपने लगाई थी या ये जो रेड कलर ब्लू कलर की और हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो मैं इस पर रखूँगा तो ये इरेज हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से इस पर क्लिक कर दूँगा तो ये ट्रेंड लाइन इरेज हो जाएगी, ठीक है। इसको इस तरह से, तो सिंपल है, ठीक है। उसके बाद अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको इरेजर ये हो गया एरो, तो जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो जो सबसे पहले यहाँ पर ये देख लीजिए, जो क्रॉस का ऑप्शन है, ये जो क्रॉस का ऑप्शन है, इसको जब आप क्लिक करते हो, उसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग यही रहती है, तो इस तरह का आपको क्रॉस दिखता होगा। ये देखो, इस तरह की एक लाइन दिख रही है और इस तरह की लाइन दिख रही है, जो मेजरमेंट करने में सहायक होती है। जब आप इसको इसके पर से हटा दोगे तो ये डॉट वाला ऑप्शन ले लोगे, तो यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आपको दिखेगा, ठीक है। लाइन एज इट इज़ उसी तरह से रहेगी। उसके बाद जब एरो ले लेते हो तो एरो पर फिर वो जो लाइंस होती हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वो लाइन चली जाती है, तो इसलिए आपको इसको क्रॉस पे ही रखना है। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग में आते हैं। ये जो आप ये देखते हो, तो जब इसको क्लिक अप करते हो, जब आप इसको क्लिक करते हो तो ये ट्रेंड लाइन, इन्फो लाइन, ट्रेंड एंगल, तो इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ट्रेंड लाइन को किस तरह से यूज़ करना है, तो ट्रेंड लाइन का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे कि आपने मान लीजिए नीचे से और ऊपर की तरफ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन को खींचा, तो ये एक ट्रेंड बताती है कि प्राइस अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं, या प्राइस अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो यहाँ से इसको इस तरह से क्लिक करेंगे यहाँ पर और इस तरह से नीचे की साइड खींचेंगे तो ये डाउनसाइड डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको लगा देते हैं और उसके बाद जब आप कोई ट्रेंड लाइन लगाते हो तो इस तरह का एक आपके सामने बॉक्स आ जाता है। तो ये बॉक्स बेसिकली समझने वाला होता है। यहाँ से तो आप इसको डिलीट कर सकते हो, यहाँ से इसको लॉक कर सकते हो, तो ये लॉक हो जाएगी, फिर ये डिलीट नहीं होगा जब तक इस लॉक को ओपन नहीं करोगे। यहाँ से इसको हाइड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से दोस्तों इसका क्लोन निकलता है, यहाँ पर क्लिक करोगे क्लोन निकल आएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये जो ऑप्शन है, यहाँ पर जब आप इसको क्लिक करोगे इस तरह से, तो ये ब्रिंग टू फॉरवर्ड, तो ये आप छोड़ दो, ये आपके काम का नहीं है। उसके बाद जब ये ऑप्शन को क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपना अलर्ट सेट कर सकते हो, यहाँ से इसकी सेटिंग में जा सकते हो, ठीक है। इस तरह से सेटिंग में जाने के लिए, और सेटिंग में जाके वहाँ से सेटिंग कर सकते हो। बाकी यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ से इसका गेज कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से लाइन को डॉटेड रखना है या किस तरह से रखना है वो कर सकते हो। उसके बाद इस तरह के दो ऑप्शन होते हैं, ये भी आप कर सकते हो, ठीक। उसके बाद जब दूसरा जब क्लिक करते हो तो इसी तरीके की ये वर्टिकल लाइन हो गई, यानी इस तरीके की रेखा को, इस तरह की रेखा को वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल रे हो गई। अब जैसे इस पॉइंट से आपने शुरू करोगे और हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हो तो पूरा इधर भी वो प्लॉट हो जाती है और इधर भी प्लॉट हो जाती है, ठीक है। तो आपको इसको नहीं करना है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में सिर्फ यहाँ से जैसे इस पॉइंट से आपने लिया तो इस पॉइंट से ही ये हॉरिजॉन्टल रे जिसको बोलते हैं यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। उसके बाद इसको हटा लेते हैं और वापस को क्लिक करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जब आप लेते हो तो वो पूरी तरीके से इधर भी और इधर भी होलसोल पूरे चार्ट पर प्लॉट हो जाती है। इन्फो लाइन का मतलब दोस्तों ये होता है, जो ट्रेंड लाइन की जो इन्फो लाइन है, तो इसमें आपको बेसिकली जो इन्फो, जिस पीरियड जिसे यहाँ से और यहाँ तक आप ट्रेंड लाइन लगा रहे हो, तो इसका पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगी, कैंडल्स वगैरह की और डाउन, अप एंड डाउन की सब दे देगी, ठीक है।
टेन एंगल, जैसे कि बोला जाता है कि 45 डिग्री की टेन लाइन होनी चाहिए या उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या उससे नहीं कम होती है ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर जब आप टेन एंगल लेते हो, और जैसे कि आप मान लीजिए इस पॉइंट से आपने टेन लाइन लगाई इस तरह से, तो ये आपको यहाँ पर शो कर देगा कि कितने डिग्री की ये टेन लाइन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 21 डिग्री की ये टेन लाइन है, ठीक है। तो इसको हटा लो, और उसके बाद ये एरो होता है टेन लाइन के जैसा ही होता है, ये वर्टिकल लाइन हो गई, यानी इस तरीके की खड़ी रेखा। एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन का मतलब ये होता है कि वो इस साइड भी प्लॉट हो जाएगी और इस साइड भी, मतलब होल सोल पूरे चार्ट पर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये जो रे होती है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रे की तरह होती है कि इस पॉइंट से अगर आपने प्लॉट किया तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ही जाएगी, मतलब ये एरिया पूरा कवर कर लेगी और यहाँ से ही वो ओपन होगी। मैं लगा के दिखा देता हूँ, देखो इस पॉइंट से अगर हमने इसको लगाया और उसके बाद यहाँ पर जिसे हमने इसको क्लिक करके यहाँ पर लगाया, एक मिनट, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि इस तरह से ये प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक आप चार्ट को जब आगे बढ़ाते चले जाओगे तो देखोगे कि ये बहुत आगे तक चली जाएगी, ठीक है, बिल्कुल आगे तक चली जाएगी। तो इसको भी यहाँ से अब जैसे कि ये सारे यहाँ पर फंक्शन आपको एटलीस्ट समझ में आ गए होंगे, ये पैरेलल चैनल होता है, कुछ इस तरह का एक चैनल प्लॉट किया जाता है जो प्लॉट हो जाता है ऑटोमेटिकली, उसके बाद मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और उसके बाद ये दूसरा ऑप्शन जो आता है ये ज़्यादा आपके काम का नहीं है, इसमें आपको ये फिब रिट्रेसमेंट, अगर आप फिबोनाची का यूज़ करते हो तो यहाँ से फिबोनाची ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पर ये ब्रश का ऑप्शन है, तो आप समझ सकते हैं कि ब्रश का ऑप्शन किस तरीके से, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल महत्वपूर्ण होता है, तो ये रोटेड रेक्टेंगल होता है। और ये उसके अलावा आपकी यहाँ पर दूसरी और कोई काम की चीज़ नहीं है, ये दो तीन चीज़ें काम की हैं, ये है और ब्रश है, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ से जब तीसरे ऑप्शन पे जाते हो तो यहाँ पर अगर कोई टेक्स्ट चार्ट के ऊपर लिखना चाहते हो तो वो इस तरह की सिस्टम में आकर लिख सकते हो। और उसके बाद दोस्तों ये ऑप्शन आता है, ये कुछ पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक्स ए बी सी डी पैटर्न, साइफर पैटर्न, ए बी सी डी पैटर्न, ट्रायंगल, ये देख सकते हैं हेड एंड शोल्डर, तो इस तरीके के एलियट वेव, ट्रायंगल वेव, तो ये इस तरीके के यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न होते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट आपको बताता हूँ, लेता हूँ छोटा सा एक ब्रेक। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है ये, ठीक है, तो हम वापस हाजिर हैं आपके सामने। तो ऑप्शन आता है ये, ठीक, तो जब आप इसको क्लिक करते हो तो ये लॉन्ग पोजीशन, ठीक है, ये लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, तो जैसे कि आपने देखा होगा इसमें SL और आपका टारगेट दोनों ही चीज़ आ जाती है। कई मैं यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ तब आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए जैसे लॉन्ग पोजीशन, तो अगर हम यहाँ से मान लीजिए कि इस पॉइंट से लॉन्ग कर रहे हैं तो ये इस तरह से यहाँ पर आएगा, और इसके बाद हमें इसको अपने अनुसार सेट करना होगा। जैसे नीचे की जो लाइन आपको दिख रही है जहाँ पर स्टॉप लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखिए स्टॉप लिखा हुआ है, तो ये स्टॉप लॉस हो गया, ये हमारा टारगेट हो गया। तो इस तरह से इसको ट्रेडर प्लॉट करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इसमें शॉर्ट की पोजीशन होती है, ये फोरकास्ट है, इसको छोड़ दीजिए, डेट रेंज है, ये प्राइस रेंज है, अगर आप मूवमेंट देखना चाहते हो कितना ज़्यादा ऊपर के साइड मूवमेंट हुआ या नीचे के साइड डाउन साइड मूवमेंट हुआ तो यहाँ से प्राइस रेंज पता कर सकते हो। डेट और प्राइस रेंज अगर पता करना चाहो तो यहाँ से पता कर सकते हो। बाकी इसके अलावा आपके बाकी जो हैं वो आपके काम के नहीं हैं। उसके बाद इसको क्लिक करते हैं तो ये कुछ इमोजी टाइप के हैं, जैसे कि आप अपने मोबाइल पर देखते होंगे, तो यहाँ पर इसको क्लिक करते हो और उसके बाद इस तरह से, तो यहाँ से ये आ जाता है इस तरह से, देखिए ये ऑप्शन बन गया, ठीक है। उसके बाद आप कोई दूसरा ले लेते हो, जैसे ये हार्ट का आपने लिया और उसके बाद इसको आप लाइन ड्रैग करके लाए और यहाँ पर आपने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर एक हार्ट बन गया, और यहाँ पर इसको कलर चेंज कर सकते हैं ऊपर, ये देखिए यहाँ से वापस इसको क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। अब ये दोस्तों एक महत्वपूर्ण ऑप्शन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए चार्ट को काफ़ी ज़्यादा आपने श्रिंक किया हुआ है, अब यहाँ से आपको ये एरिया देखना है, तो आपको बेसिकली करना ये होगा कि यहाँ पर लाकर और यहाँ तक इसको मार्क करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये दिखा देगा मेजरमेंट आपको कि 91 बार्स हैं और ये इतना टाइम लगा है, ठीक है, तो ये हो गई एक बात। उसके बाद इसको हटा लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके नीचे का ऑप्शन है प्लस का, ठीक, तो यहाँ पर जब आप इसको क्लिक करते हो, अब यहाँ पर जैसे कि आपको इतने एरिए को देखना है बड़ा करके, तो ये देखिए चार्ट ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। वापस इसको माइनस, यहाँ पर माइनस का ऑप्शन आ जाएगा,
तो जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये चार्ट अपनी पुरानी कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये आता है मैग्नेट का ऑप्शन, ये आता है मैग्नेट का ऑप्शन, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम चार्ट को यहाँ पर पूरा, अब जैसे कि इसका, इस जो ब्लू कैंडल है ये वाली, इसका बिल्कुल एग्जैक्ट हाई हमें पता करना है, तो हमें एक सबसे पहले तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी होगी, उसके बाद जाकर मैग्नेट को ऑन करना होगा, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, मैग्नेट ऑन हो गया है। देखिए यहाँ पर इसका लो अगर हम हाई पता करेंगे तो हमें कैंडल के ऊपर के साइड, तो यहाँ पर आप देखो जो लाइन प्लॉट होगी, तो इसका आप जब ये देखोगे तो 0.011469, ठीक है। उसके बाद जब इस पर कर्जर आप रख के इसको चेक करोगे तो देखो एग्जैक्ट हाई वही है, ठीक है। तो मैग्नेट सिर्फ इसलिए होता है, ठीक है। आगे बढ़ें दोस्तों, उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं ब्रेक के बाद वापस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ऑप्शन है ये पेंसिल का और लॉक, एक आपको दिख रहा है पेंसिल दिख रही है, एक लॉक दिख रहा है। तो इसका क्या ऑप्शन होता है, क्या मतलब होता है, मैं बता देता हूँ यहाँ पर सिंपल शब्दों में। इसको जब आप क्लिक कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से जैसे मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ली, उसके बाद आप यहाँ पर 1x1 हॉरिजॉन्टल लाइन ऑटोमेटिक लगा सकते हो, आपको दोबारा इस पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आप लगाते चले जाओगे तो ये लगती चली जाएगी, ये देखिए, ठीक। अब ये देखिए मैग्नेट ऑन है तो इसलिए इसको मैग्नेट को बंद करना होगा, और मैग्नेट ऑन करके मत रखिए कि जब आपको एग्जैक्ट फिगर चाहिए हो तभी मैग्नेट को ऑन करना होगा। अब यहाँ पर देखिए हमने ढेर सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस वगैरह लगा ली, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से हम इसको जब हटा देंगे तो इसके बाद एक ही ट्रेंड लाइन यहाँ पर हम लगा पाएंगे। उसके बाद जो हमें ट्रेंड लाइन चाहिए होगी, या सॉरी ट्रेंड लाइन बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसके लिए हमें यहाँ पर इसको वापस यहाँ से लेना होगा। तो ये 1x1 लगेगी, मतलब एक लगेगी, दोबारा फिर चाहिए होगी तो आपको फिर क्लिक करना होगा, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर ये जो ये पेंसिल वाला सिस्टम है, पेंसिल और लॉक वाला, जब आप इसको क्लिक कर लेते हो तो ये कंटिन्यूसली आपको ट्रेंड लाइन हो या हॉरिजॉन्टल लाइन हो या कुछ कोई भी आप यहाँ पर टूल ले रहे हो तो वो कंटिन्यूसली आप लगाते चले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको अब यहाँ से देखिए कि जब ये जो लॉक का सिस्टम है, ठीक, लॉक पे आप क्लिक करते हो तो एज इट इज़ जितनी भी ट्रेंड लाइन ये जैसे ये हैं सब ये लॉक हो जाएंगी। इसको आप डिलीट करना चाहोगे तो डिलीट नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि नहीं सॉरी, लॉक तो वहीं से होगा, ये चार्ट लॉक हो जाएगा, ये जितना भी चार्ट है ये लॉक हो जाएगा। तो इसको खैर यूज़ में नहीं कोई बंदा लेता है। अब ये देखिए यहाँ पर एक आई का ऑप्शन दिख रहा है, अभी तो ये सब विजुअल है यहाँ पर जितने भी आपने ड्राइंग की है, जब आप इसको क्लिक करते हो देखो सब गायब हो जाएगा। उसके बाद वापस जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हो वापस सब वो कुछ वापस आ जाएगा, यानी आपका जो अपना सेटअप है उसको आप हाइड कर सकते हो और वापस भी देख सकते हो। अब ये देखिए इसके बाद एक डिलीट का ऑप्शन आता है, तो ये सिंपल है, सबको ही मालूम होगा। जब आप इस डिलीट को क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखिए रिमूव ड्राइंग का ऑप्शन आता है, रिमूव इंडिकेटर का ऑप्शन आता है, रिमूव ड्राइंग एंड इंडिकेटर आता है। अब आपको ड्राइंग और इंडिकेटर दोनों ही हटाना है तो आपको इसको क्लिक करना होगा, आपको सिर्फ इंडिकेटर को रिमूव करना है तो आपको इसको, और ड्राइंग को रिमूव करना है तो सिर्फ इसको। तो हम यहाँ से भी ड्राइंग को रिमूव करते हैं, तो देखिए हो गया, ठीक है। बाकी दोस्तों ये एक बुक मार्क्स का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पर जैसे कि जब आप कोई ट्रेंड लाइन लेते हो, जैसे कि ये आप देखो कि ये ट्रेंड लाइन के आगे एक बुक मार्क्स ऑप्शन बना होता है, जब आप इसको क्लिक कर लेते हो तो ये येलो हो जाता है, जब तक इसको बुक मार्क में नहीं रखोगे तो ये वाइट ही रहेगा। तो इसको क्लिक कर लोगे तो जैसे मैं कुछ बुक मार्क्स यूज़ करता हूँ, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था, तो ये बुक मार्क के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो इस तरह की एक पट्टी आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको ड्रैग करके आप ऊपर ले आ सकते हो, नीचे रख सकते हो। तो इसमें जो जो आपके मेन जो आपके पसंदीदा टूल्स हैं उसको आप यहाँ पर रख सकते हो बुक मार्क के ज़रिए, ठीक है। और यहाँ से जैसे आपने ट्रेंड लाइन ली और आपने ये मैग्नेट को बंद कर लेता हूँ, इस तरह से प्लॉट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बेसिक जो थे यहाँ पर मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों
बाकी के जो ऑप्शन बचते हैं, देखिए सेटिंग अभी ये जो लेफ्ट साइड का जो कॉर्नर था मैंने इसको पूरा डिटेल से यहाँ से आपको समझाया है। अगर एक वीडियो में मैं पूरे चार्ट पे जितनी भी सेटिंग्स है उसको समझाने की कोशिश करूँगा तो आप कंफ्यूज रहोगे। तो पहले आप इसको समझ लो, मेन यही होता है। उसके बाद ये एक ऑप्शन का फी यहाँ पर होते हैं ऑप्शंस, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊँगा। तो उसमें जैसे कि ये पार्ट वन हो जाएगा तो वो पार्ट टू हो जाएगा। उसके बाद नीचे के साइड जो ऑप्शन होते हैं वो समझाऊँगा। बाकी ये तो प्राइस का रेंज होती है, इसको आप अपने से समझ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे वीडियो में इसको और इसको यहाँ पर किस तरह से किया जाएगा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मुझको इजाज़त दीजिए, चलता हूँ, गुड बाय। और ये जितने भी मैंने यहाँ पर फंक्शन आपको बताए हैं इसको समझने की और चार्ट पर प्लॉट करने की कोशिश करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं ये, इसके बगैर ट्रेडिंग अधूरी है। तो चलिए मुझको इजाज़त दीजिए, चलता हूँ, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलूँगा नेक्स्ट अपडेट में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।